नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र दत्त और आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश टीवी। दोस्तों बात करते हैं पंजाब के बारे में। पंजाब में उपचुनाव होने जा रहे हैं विधानसभा के 20 नवंबर 2024 को और 4 विधानसभा क्षेत्रों में ये उपचुनाव होने वाले हैं। और ये जो उपचुनाव हैं ये किस ओर जाएंगे, क्या कांग्रेस जो है वो अपनी लोकसभा चुनाव वाली जो लय है उसको बरकरार रख पाएगी, क्या आम आदमी पार्टी जो है सत्तारूढ़ पार्टी है पंजाब में वो जैसे सत्ता पर काबिज है, क्या इन 4 सीटों पर काबिज होकर 2027 के लिए अपना रास्ता जो है वो तय कर पाएगी। उसके बाद हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी जो पंजाब में राजनीतिक तौर पर अपनी जमीन तलाश रही है, एक जद्दोजहद कर रही है, कोशिश कर रही है अपने पांव जमाने के लिए, क्या वो इस विधानसभा चुनाव में कोई करिश्मा कर पाएगी। इस सब पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ है सतीश मेहरा जी जो राजनीति के बहुत अच्छे जानकार हैं। आइए उनसे चर्चा करते हैं। मेहरा साहब सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो। धन्यवाद, नमस्कार। मेहरा साहब, पंजाब में 20 नवंबर को विधानसभा के उपचुनाव होने वाले हैं, 4 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और इस बार एक बड़ी बात यह है कि श्रोमणी अकाली दल जो पंजाब की बड़ी क्षेत्रीय पार्टी है वो कहीं ना कहीं फूट की वजह से, क्योंकि उसकी आंतरिक कलह चल रही है, फूट चल रही है, जिस वजह से वो इस बार उपचुनाव में पार्टिसिपेट नहीं कर रही है, हिस्सा नहीं ले रही है, भाग नहीं ले रही है। दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी जिसने लोकसभा चुनाव में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और आम आदमी पार्टी जो सत्ता पर काबिज है और भारतीय जनता पार्टी जो एक राजनीतिक जमीन तलाश रही है पंजाब में, ये तीनों पार्टियां मैदान में पूरी जोर शोर से हैं। और जो श्रोमणी अकाली दल है उसका एक कैडर बोर्ड है और डेफिनेटली क्षेत्रीय पार्टी का अपना एक कैडर बोर्ड होता है, एक कैडर बोर्ड है। कैडर बोर्ड श्रोमणी अकाली दल पार्टिसिपेट नहीं करेगा चुनाव में तो उसका जो कैडर बोर्ड है वो किस पार्टी को जा सकता है, यानी कि किस पार्टी को उसका फायदा हो सकता है। देखिए राजेंद्र जी, श्रोमणी अकाली दल की आपने बात की है, अब की बार चुनाव में जो भाग नहीं ले रहा है और निश्चित रूप से पंजाब में एक अच्छी मात्रा में जो कैडर बोर्ड होता था पंजाब श्रोमणी अकाली दल का होता था जी। और लंबे समय तक ये पार्टी सत्ता में पंजाब में सत्ता में रही है। बादल साहब बहुत लंबे समय तक इस पार्टी के जो सर्वे सर्वा रहे हैं और चीफ मिनिस्टर 5 बार के मुख्यमंत्री रहे, मुख्यमंत्री हैं जी। और उनका निश्चित रूप से कैडर बोर्ड तो है लेकिन उसमें बिखराव है। उस बिखराव की वजह से अभी उन्होंने चुनाव लड़ने का फैसला नहीं लिया क्योंकि उनको लगता था कि कहीं ना कहीं हमारी जो बिखराव की वजह से बहुत भारी नुकसान होने की संभावना है। संभावना को देखते हुए उन्होंने चुनाव लड़ने का फैसला नहीं लिया लेकिन राजनीतिक पार्टी है, उन्होंने आगे चुनाव लड़ना है, राजनीति करनी है तो इसको देखते हुए कहीं ना कहीं वो अपना जो कैडर वोट है जो अभी भी उनके उनके पास काफी वोट बचा है उसको कहीं ना कहीं सारा वो कर सकते हैं, किस पार्टी को किस तरफ इशारा कन्वर्ट करना है, क्योंकि उनका जो देहाती है, जर्सिक है, जो किसानी वोट है उनको उनका जो कैटर वोट रहा है, ग्रामीण वोट पे बड़ी पकड़ रही है, ग्रामीण वोट पे बहुत लंबे समय तक पकड़ रही है। हालांकि अब जो आपस में जो आपने बताया कि कहीं ना कहीं फूट की वजह से उसमें दरार आई है उस वोटर में, तो ये तो तय है कि अगर जिस जो जो अकाली दल का वोट रहा है, श्रोमणी अकाली दल का जो वोट रहा है, जिस ओर ज्यादा जाएगा वो उस पार्टी को मुझे लगता है लाभ होगा जी। और अगर वोट की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के साथ लंबे समय तक उनका श्रोमणी अकाली दल का बादल का जो अलायंस रहा है, तो राजेंद्र जी किसान आंदोलन के चलते जो भारतीय जनता पार्टी और श्रोमणी अकाली दल का अलायंस है वो भी टूटा। हालांकि जो श्रोमणी अकाली दल से जो जो हरसिमरत कौर जो जो केंद्र में मंत्री थी उन्होंने रिजाइन भी किया और उसके बाद कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों में ज्यादा खटास आई है क्योंकि किसानी के बलबूते पर श्रोमणी अकाली दल पंजाब में राजनीति करता रहा है। और वोट जो कैडर वोट की हम बात करते हैं वो कैडर वोट भी कहीं कहीं किसानों में है, उनका अभी तक भी जी, है ग्रामीण वोट पर बड़ा जबरदस्त पकड़ रही है उनकी। हाँ हाँ जी, तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी की और जो ग्रामीण वोट है, जो जट सिख वोट है, जो किसानी वोट है, वो कहीं ना कहीं आपकी अभी भी उनके भारतीय जनता पार्टी के प्रति उनका जो जो एक विचार है वो कहीं की पॉजिटिव नहीं हो पाया, नहीं हो पाया। मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी को वो कहीं ना कहीं उसके पक्ष में वोट करेंगे। दूसरी ओर जो कांग्रेस पार्टी की अगर बात करते हैं तो कांग्रेस पार्टी
जो जट सिख वोट है, जो किसानी वोट है, वो कहीं कहीं कांग्रेस पार्टी से दूर ही रहा है, कांग्रेस पार्टी की तरफ भी कहीं ना कहीं वोट वो नहीं जा पाएगा। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी हालांकि लोकसभा चुनाव में बहुत अच्छा बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छा प्रदर्शन अच्छा प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी ने किया था, 7 सीटें जीती थी, और की बार भी कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ये सोच है कि जो उपचुनाव है उसमें भी हम अच्छा प्रदर्शन करें, और कहीं कहीं जो ये जो कार्डर वोट जो इसका है श्रोमण अकाली दल का उसको कन्वर्ट कर सके, उसको कन्वर्ट करने में कांग्रेस पार्टी कामयाब होगा या ना होगा ये तो बाद की बात है। और जो आप पार्टी है, आप पार्टी जो फिलहाल जो वर्तमान में जो पंजाब में जिनकी सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार है, और उसके प्रति भी जो 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 जट सिख वोट है, किसानी वोट है, उनका भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव रवैया मुझे नहीं लगता है, क्योंकि पीछे आंदोलन हुए हैं और मंडियों का जो हालत है किसानों की। देखिए सर, कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी जो है एक बड़ा फैक्टर हो जाता है, जब कोई भी पार्टी रूलिंग पार्टी होती है तो डेफिनेटली एंटी इनकम्बेंसी जो है एक बड़ा फैक्टर हो जाता है, किसानी फैक्टर अभी भी काम कर रहा है। और किसानों का ये मानना है कि कहीं ना कहीं जो उनका फसलों की बिक्री है, फसलों का उठान है, खरीद और फसलों पे जो अभी किसानों पे भी जो लाठीचार्ज हुआ है, वो भी मुद्दे बीच बीच में किसान भुनाते रहते हैं और अपनी जो कैटेगरी के जो वोट है उसको याद दिलाते रहते हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप पार्टी की तरफ भी अभी तक उनका जो किसानी वोट है, जट सिख वोट है, उनका कहीं ना कहीं ज्यादा रुझान नहीं हो पाया है। भारतीय जनता पार्टी तो स्वयं ही मान चुकी है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसको आभास हो चुका है कि किसानी वोट है, जो जट सिख वोट है, जो जो श्रोमणी अकाली दल का जो कैडर वोट रहा उनकी तरफ शायद शायद ही आए, और इस के कारण वो कहीं ना कहीं इसका प्रयास ये है कि कहीं कहीं ये वोट जो श्रोमणी अकाली दल का वोट है जो कहीं कहीं वो कांग्रेस पार्टी को ना जाए। जी, क्योंकि उनका बड़ा कारण है जी, कांग्रेस को ही जो भारतीय जनता पार्टी है वो अपना प्रतिद्वंदी मानती है। भारतीय जनता पार्टी का सबसे जब से जो मुख्य कारण इस चुनाव में रहेगा वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को रोकने का रहेगा। जी, क्योंकि कांग्रेस ने जो हम बात कर रहे हैं जो उसमें जो लोकसभा चुनाव में अच्छा किया था, और कांग्रेस पार्टी भी वही लाइन बनाने की कोशिश करेगी, लेकिन अब सबसे बड़ा जो टारगेट है भारतीय जनता पार्टी के दिमाग में वो कहीं कहीं ये इलेक्शन टिकोना करने की है, और कहीं कहीं उसको जो जो कैडर वोट की जिसकी हम बात कर रहे हैं श्रोमणी अकाली दल का, वो कांग्रेस के पक्ष में ना जाए। और दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी का ये प्रयास है, जैसे हमने पहले भी बात कर चुके हैं इस पे, जो नॉन जट वोटर है जी, और जो शहरी वोटर है उस पे भी ध्यान टिकाए हुए भारतीय जनता पार्टी। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो शहरी इलाका है, अर्बन एरियाज है, उनमें पकड़ बनाती हुई नजर भी आ रही है शहरी वोटर पे। लेकिन इस चुनाव में जो उपचुनाव है शहरी वोटर के शहरी से संबंधित एक ही सीट है, वो बरनाला सीट है जी। बाकी जो तीनों सीटें हैं, तीनों सीटों जिसकी बात गिदड़वा है, डेरा बाबा नानक है, चब्बेवाल है जी, तो वो तीनों सीटें ग्रामीण बाहुल वोटर उसमें ज्यादा है, बिल्कुल ठीक है। और बरनाला ही सीट है जिसमें कहीं ना कहीं उनको लगता है कि ये शहरी वोटर पर हम ज्यादा फोकस कर पाएंगे, शहरी वोटर को ज्यादा लुभा पाएंगे, लेकिन एक सीट से भी मुझे लगता है इनका ये। बरनाला की भी अगर बात करूं तो बरनाला में भी जहां एक और शहरी वोटर है साथ के साथ उसके साथ ग्रामीण एरिया भी उतना ही पड़ जाता है जी, बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस एक विश्वस्त नहीं है इस चुनाव में कि वो बहुत अच्छा कर पाएगी। हालांकि मनप्रीत बादल हैं जो गिदड़वा से चुनाव लड़ रहे हैं, उनके अच्छे कैंडिडेट हो सकते हैं जी, वो मुकाबला कर सकते हैं, अच्छा मुकाबला देंगे वो, जो जो भी जिताऊ कैंडिडेट होगा अच्छा मुकाबला दे सकते हैं, और कहीं कि बहुत कम मार्जिन से मुझे लगता है हर जीत वहाँ की गिदड़वा कंस्टिट्यूंसी से होगी। गिदड़वा में जो जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं अमृता बड़िंग जी, जो राजा बड़िंग पार्टी प्रधान है, जो उनकी पत्नी है राजा वडिंग की वाइफ हैं, और कहीं कि वो अच्छे कैंडिडेट है। राजा वडिंग वहां से 3 बार चुनाव जीत चुके हैं जी, और अब की जो लोकसभा चुनाव उन्होंने लड़ा, लोकसभा चुनाव भी वहां से जीते, लुधियाना से जीता था, लुधियाना से जीते हैं। लेकिन जतिंदर कौर एक अच्छे कैंडिडेट हैं, जतिंदर कौर का मुकाबला मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के मनप्रीत बादल से ही रहेगा, ये तो तय है। एक सीट का उनको कहीं कहीं मुकाबले में अपने आप को ला सकती है, और एक अगर एक सीट के अलावा दूसरे भी कहीं उनको मुकाबले में ला पाए तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए पंजाब में बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धि माना जा सकता है।
लेकिन भारतीय जनता पार्टी कुछ ऐसी रणनीति तो कर सकती है कि उसका जो कैडर वोट है श्रोमणी अकाली दल का, वो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस पार्टी है उसकी तरफ ना जाकर कि ऐसी पार्टी की तरफ कन्वर्ट हो जिसका आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो। देखिए, जो रीजनल पार्टी है श्रोमणी अकाली दल, वो किसी भी एस्टेब्लिश पार्टी को, जो पहले से स्थापित पार्टी है, जो नेशनल पार्टी जिनको कहा जा सकता है, उनको अपना वोट नहीं डलवाएगी, क्योंकि उनको किसी भी पार्टी के कैंडिडेट को, जो एस्टेब्लिश पार्टी है उनको, उनके कैंडिडेट को अगर वो जितवाते हैं तो उनके लिए एक बड़ा दुश्मन खड़ा करेंगे अपने अपने सामने। उनकी कोशिश रहेगी कहीं ना कहीं प्रो जो सिख पार्टी है, चाहे श्रोमणी अकाली दल सिमरनजीत सिंह मान की जो पार्टी है, श्रोमणी अकाली दल अमृतसर अमृतसर पार्टी है, उनको दिलवाने की बात हो, या किसी और जो जो अच्छे वोट पाने में जो सिख वोट उम्मीदवार है उनको दिलो, चाहे उसमें आजाद उम्मीदवार को उन्होंने दिलवाना पड़े। मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो बरनाला की सीट है, बरनाला की सीट पर उनका ध्यान, मुझे लगता है जो गोविंद सिंह संधू है, जो सिमरनजीत सिंह मान के दोते भी हैं, उनकी ओर ज्यादा इशारा मुझे लगता है श्रोमणी अकाली दल जो बादल हैं उनका उनका इशारा उधर ही रहेगा। और इसके अलावा जो तीनों पार्टियां एस्टेब्लिशमेंट पार्टियां, उनको कम से कम श्रोमणी अकाली दल जो कैडर वोट नहीं डालेगा। ये तो बात हुई श्रोमणी अकाली दल की। श्रोमणी अकाली दल जो है वो कोशिश करेंगे उसके नेता की उनकी जो कैडर वोट है वो बड़ी पार्टियों को ना जाकर या तो छोटी पार्टियों को चले जाए, रीजनल पार्टियों को चले जाए, या फिर जो आजाद उम्मीदवार हैं उनको चला जाए। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी तरफ हम बात करते हैं कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव में एक अच्छा बहुमत कह सकता हूं उसको, क्योंकि 13 में से 7 सीटें जीतना अपने आप में एक बड़ी बात है और अपने प्रदर्शन को बहुत बेहतर किया है पहले की बजाय। तो क्योंकि आगे 2024 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो क्या जो लय बनाई है उन्होंने विधानसभा चुनाव में, इन उपसभा चुनाव जो है और उप चुनाव जो हो रहे हैं विधानसभा के, इसमें अपनी लय को बरकरार रख पाएंगे? देखिए, जो आपने बताया कि 7 सीटें लोकसभा चुनाव में जीती थी, उस जो सिनेरियो जो आया था लोकसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद, जो एक दूसरी पार्टियों में ये बना के कि अब कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ चुकी है, और ये बात भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के जहन में भी आई है, और उसी को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, जैसे सुनील जाखड़ की हम बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के पार्टी प्रेसिडेंट हैं वो स्टेट में, और उन्होंने अपनी जिम्मेवारी भी ली, कहीं ना कहीं ये लगा कि हम चुनाव हारे हैं, हालांकि वोट बैंक 9 से 18% तक बढ़ा है उनका जी। पहले 9% भारतीय जनता पार्टी का जो चुनाव वोट था वो रहा है, उसके 18% उन्होंने बढ़ाया, तो उनका भी कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी जिम्मेवारी ली है। वो कांग्रेस पार्टी के नेता रहे हैं, उनको भी आभास ये हुआ कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ चुकी है, और इसी को देखते हुए उन्होंने जिम्मेवारी भी ली, और उनका उनका जिम्मेवारी लेकर उन्होंने जो एक अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक मीडिया चैनल के सामने उन्होंने कहा था कि उन्होंने इस्तीफा रिजाइन किया था उन पार्टी नेताओं को अपनी जिम्मेवारी लेते हुए, उसको जो रेजिग्नेशन उन्होंने किया था, उस बात को भारतीय जनता पार्टी के नेता ही उन्होंने उनको ट्रोल करने लगे, उनकी भी कहीं ना कहीं जो प्रश्न चिन्ह उठाने लगे कि इस तरह की पार्टी प्रधान को इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए, और ये तो रण छोड़ने वाली बात हो जाती है जी जी। कहीं कहीं जाकर पार्टी प्रधान इस्तीफा देते हैं, तो इस तरह से कई लोगों ने उनको आपस में भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ फुटोवल है पंजाब, तो उस सिर्फ फुटोवल की वजह से भारतीय जनता पार्टी अपने आप को ज्यादा विश्वस्त नहीं मान रही, और इसी कारण भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं कोशिश करती है कि श्रोमणी अकाली दल का जो वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं बटे और किसी एक पार्टी को ज्यादा वोट ना जाए, क्योंकि अगर भारतीय कांग्रेस पार्टी को ज्यादा वोट उसका जाता है तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी को उसका लाभ होगा। मेरे साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी रणनीति तैयार कर सकती है कि जो कांग्रेस पार्टी है या बड़ी पार्टियां जो है उनको जो कैडर वोट है श्रोमणी अकाली दल का वो ना जाए, और जो कांग्रेस ने एक लय बनाई है और उस लय को तोड़ा जा सके। कांग्रेस पार्टी पूरी कोशिश करेगी कि उपचुनाव जो हो रहे हैं विधानसभा के चारों सीटों पर इस पर बढ़त बनाए और 2027 के लिए जो है अपना एक रास्ता जो है वो प्रशस्त करे। तो कैसी रणनीति हो सकती है बाकी दोनों पार्टियों की कि जो कांग्रेस पार्टी है उसके रथ को रोका जा सके? देखिए, कांग्रेस चुनाव में तीनों मुख्य पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं जी, और
ये स्वाभाविक सी बात है कि जिस पार्टी का पहले एक लय बन चुकी है, वो जो जिस पार्टी की लय बन चुकी उसके जो दूसरी पार्टियां वो सबसे बड़ा दुश्मन उसको मानने मानेंगे। बिल्कुल ठीक है। जैसे कांग्रेस पार्टी की हम बात करते हैं तो लोकसभा चुनाव में लय बन चुकी है, तो दोनों जो मुख्य पार्टियां उसको अपना दुश्मन मान रही है कि कांग्रेस पार्टी को आप पार्टी भी यही चाहेगी और भारतीय जनता पार्टी भी यही चाहेगी कि कांग्रेस पार्टी को रोका जा सके। तो किस स्ट्रेटजी के तहत रोकेंगे कांग्रेस पार्टी को? एक तो भारतीय जनता पार्टी ने यह रणनीति बनाई है कि जो शहरी वोटर है, हम बात करते रहे शहरी वोटर कि उनकी तरफ उनके पक्ष में लामबंद हो। जी, दूसरा नॉन जाट वोटर, एक परंपरागत वोट जो रहा है नॉन जाट वोट है कांग्रेस कांग्रेस पार्टी का। पार्टी का, नॉन जाट परंपरागत वोट इसलिए भी मान सकते हैं क्योंकि बहुजन समाज पार्टी भी मुझे लगता है कि बार कांग्रेस में चुनाव जो पंजाब में चुनाव नहीं लड़ जो बहुजन समाज पार्टी का भी जो कैडर वोट है वो भी कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ जाने का उनको ये अंदेशा हो चुका है। जी भारतीय जनता पार्टी की कोशिश ये रहेगी कि कहीं कहीं कांग्रेस की तरफ ये वोटर जो जो बसपा का भी कैडर वोटर है, काफी वोटर है, वो भी उनकी तरफ कांग्रेस पार्टी की तरफ ना जाए। उनको भी लुभाने के लिए उन्होंने एक नॉन जट सिख और एक शहरी सिख मतदाता को लुभाने की कोशिश रणनीति बनाई है हरियाणा की तर्ज पे, निश्चित मतलब जैसे हरियाणा में इस बार इन्होंने रूप से हरियाणा एक मतलब प्लान किया भारतीय था, इस तरह की रणनीति बनाई थी कि जाट और नॉन जाट की राजनीति पे उसने काम किया था, तो पंजाब में उसी तरह की रणनीति पे भारतीय जनता पार्टी काम कर सकती है। 100% भारतीय जनता पार्टी पंजाब में जो हरियाणा ने रणनीति अपनाई थी ना, हरियाणा में जो चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने जीता उसी रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी पंजाब में चुनाव लड़ रही है और उसको कहीं ना कहीं आशा है कि कहीं ना कहीं उनको इस रणनीति से फायदा होगा। ये तो चुनाव के बाद पता चलेगा कि किस पार्टी को किस तरह, मतगणना के बाद ही पता चलेगा, लेकिन मुख्य रूप से जो तीनों पार्टियां चुनाव मैदान में वो कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी को, दोनों पार्टियां जो भारतीय जनता पार्टी और आप पार्टी उनको टारगेट मार के चल रही है जी और कहीं ना कहीं इस चुनाव में जो एक जो आपने बताया कि एक लय बनाने की कोशिश की थी लोकसभा चुनाव में, उस लय को स्थापित रखने के लिए कांग्रेस पार्टी के सामने भी चुनौती है उन दोनों पार्टियों को कैसे पीछे छोड़ा जाए। जी आम आदमी पार्टी जो इस समय पंजाब में सत्तारूढ़ पार्टी है, वो किस तरह की रणनीति के तहत इस रथ को रोक सकती है? देखिए, आम आदमी पार्टी के जो स्टार प्रचारक हैं, भगवंत मान है, चीफ मिनिस्टर हैं पंजाब के, वो कहीं कहीं ग्रामीण क्षेत्र में लगातार दौरे कर रहे हैं और जो जट सिख वोट है उनको अट्रैक्टिव करने की कोशिश कर रहे हैं। वो किसानों के लिए घोषणाएं करते हैं और एक अपने आप को किसान नेता भी एक दिखाने की का एक प्रयत्न कर रहे हैं। कहीं कहीं उनका भी ये प्रयास है कि जो श्रोमणी अकाली दल का वोट है वो कहीं कहीं उनके पक्ष में आ पाए और श्रोमणी अकाली दल का वोट किसके पक्ष में आता है ये तो अभी देखने वाली बात है, लेकिन जी सभी पार्टियां जो जो सिक्खी से जुड़ी हुई पार्टी हैं, जैसे आप पार्टी का भी सिखों के प्रति काफी एक नरम रवैया रहा है, उसमें देखने वाली बात है कि कौन सी किस पार्टी के साथ वो सिख वोट है जो जट सिख वोट है किस पार्टी के साथ जा सकता है। सो दोस्तों, पंजाब में उपचुनाव होने जा रहे हैं विधानसभा के, तो इसमें कांग्रेस अपनी लय को बरकरार रख पाएगी या आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी उसके जो विजय रथ उन्होंने 2027 के लिए चलाया है उसको रोकने की पूरी कोशिश करेंगी? और इसके साथ ही जो श्रोमणी अकाली दल है उसका जो कैडर वोट है वो कहां किस पार्टी की ओर जा सकता है, ये सब चीजें जानने के लिए देखते रहें अर्थ प्रकाश टीवी। मेरा साहब, आप हमारे स्टूडियो आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, नमस्कार।